मैंने कुछ एलोवेरा जो है वो लगाए हुए थे छोटे, मतलब बढ़ नहीं रहे थे, मैंने पानी उनको देना भूल गई थी। तो अभी जो है फिर उनको बड़ा हम करेंगे और अपने ब्यूटी हैक में मैं आप लोग के साथ बहुत कुछ शेयर करूंगी। लेकिन इनको वेट कर रहे थे थोड़ा बड़ा होने के लिए, तो तब तक आप लोग मेरे को वीडियो देख लीजिए। और यहाँ पर मैंने एक लगाया हुआ है और यहाँ पर रोज़ प्लांट है और बस ऐसा ही कुछ है, यही सब मनी प्लांट वैसा कुछ लगा हुआ है। और यहाँ इस तरफ ना काम चल रहा है, यहाँ पर सामने जो है देख सकते काम वाम वगैरह चल रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा फैला हुआ हर चीज़ गंदगी थोड़ी दिखेगी। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आ चुकी हूँ बाहर और धूप में हम ये शूट कर रहे हैं, लेकिन इस तरफ थोड़ी धूप जो है वो कम है, ज़्यादा नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ 10 रिमूवल होम रेमेडी। ये होम रेमेडी आप हफ्ते में 3 बार यूज़ करिए, बहुत अच्छा काम करेगा और आपकी जो टैनिंग हो जाती है धूप में जाने से ना, तो वो उसको रिमूव करेगा। तो सर्दी हो या गर्मी, हम जाते तो बाहर है, तो धूप में आप जब भी जाते सनस्क्रीन लगाए करिए। सिर्फ होम रेमेडी यूज़ करने से काम नहीं चलेगा, सनस्क्रीन रोज़ लगाइए, जो भी आपको अच्छा लगता है सनस्क्रीन। SPF 50 होना चाहिए, घर पे रहते हो SPF 40 भी चल जाएगा, लेकिन बाहर जाते हो तो 50 मिनिमम होना चाहिए। और आपको ये होम रेमेडी हफ्ते में 3 बार यूज़ करना है। तो देख सकते हैं मैं थोड़ा बाहर आ चुकी हूँ और सोचा कि चलो इस वीडियो को ब्लॉग की तरह शूट किया जाए। घर में बैठ के ना मुझे शूट करना अच्छा नहीं लगता है, तो इस तरफ देख सकते हैं ब्लॉग की तरह मैं शूट कर रही हूँ। थोड़ी साउंड जो है आपको आएगी गाड़ी की, तो रोड साइड के हमारा जो घर है इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा साउंड आएगा। तो चलिए हम होम रेमेडी जो है वो शुरू करते हैं। बता देती हूँ क्या क्या इसमें ऐड करना है, कमाल का मतलब आपको रिजल्ट इसका मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं ये। तो हमारा जो यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट है वो है टमाटो। टमाटो जो है वो सन बर्न को हील करता है, जिस अगर हमारी सन से स्किन डैमेज हो जाती है ना, तो उसको वो हील करता है। और आपके अगर ओपन पोर होंगे तो उसको भी श्रिंक करता है। रोज़ अगर आप डेली टमाटो को रब करेंगे अपने फेस में ना, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और आपको टमाटो को ग्राइंड करके उसका पेस्ट जो है बना लेना है। फिर आपको हनी जो है उसमें ऐड करना है, हनी आपको 2 स्पून ऐड करना है अकॉर्डिंग अपने फेस के अकॉर्डिंग। आपको जितना रिक्वायरमेंट है फेस पे का उतना ऐड करिए, मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करेगा हनी। विंटर में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, तो इसलिए हमको हनी और या फिर आलमंड ऑयल ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी सुपर ड्राई स्किन है तो फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, देख सकते कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। और उसके बाद आपको इसमें मिक्स करना है लेमन, थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप लेमन भी आपको मिक्स करना है। अब आप बोलेंगे कि लेमन आपको सूट नहीं करता, तो अगर आपको लेमन सूट नहीं करता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे आप ब्लीच तो करते ही होंगे अपने फेस में, तो लेमन को अगर डाइल्यूट करके मिक्स करके अगर लगाएंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्टली लेमन जो है अपने स्किन पर आप रब नहीं कर सकते हो, स्किन जो है वो जल जाती है। तो एक्सफोलिएटिंग एजेंट भी होता है लेमन में, विटामिन सी होता है, आपके स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है, तो बहुत अच्छा होता है। तो बेसन आपको यूज़ करना है इसमें 2 स्पून, और बेसन जो है एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, डर्ट को रिमूव करता है। एज अ फेस वॉश आप इसको मॉर्निंग में सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है, सन बर्न को ये हील करता है। और आपके टैन जितने भी होंगे ना, ये इसको जितने भी क्या मतलब फेस में टैन होंगे तो ये रिमूव कर देगा। सिर्फ आप फेस पर ही नहीं, बॉडी पर, हाथ पर, हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अपना फेस जो है सबसे पहले क्लीन कर लीजिए, क्लीन करने के बाद आप अपने पूरे एंटायर फेस पे, नेक पे इसको अच्छे तरीके से लगा लीजिए। हफ्ते में आपको 3 बार करना है, आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। टमाटो जो है स्किन को टाइट भी करता है, तो आप रेगुलर इसको रब करते रहेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आपको फेस पैक बनाने का भी टाइम नहीं है तो सिर्फ टमाटो को रब करते रहिए, और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है तो बहुत अच्छा काम करता है। ब्लीचिंग एजेंट जो लेमन में होता है ना, ब्लीच करता है आपकी स्किन को, डेड स्किन सेल को ये रिमूव कर देगा बिल्कुल। सो बहुत अच्छा काम करता है। सो यहाँ पर मैंने जो अपने पूरे फेस पर लगा लिया है, अब मैं इसको 10 से 15 मिनट रख के क्लीन कर लिया अपना फेस। देख सकते किस तरह से मेरी फेस जो है बहुत ज़्यादा क्लीन लग रही है। तो फेस जो है आपके डेड स्किन सेल बिल्कुल रिमूव कर देगा, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा आपका फेस। रात को करिए, ये अच्छा काम करेगा, और सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूले। तो वीडियो अगर हेल्प यू हुई तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।